हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लीच करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को रबड़ बैंड से बांधूंगी, जूड़ा बना लूंगी इसका। हेयर बैंड से अपने बालों को कवर कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। फेस क्लीन करने के लिए आप रोज़ वाटर या टोनर या क्लीजन मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आयूर का क्लीजन मिल्क इस्तेमाल करूँगी फेस को क्लीन करने के लिए। क्लीजन मिल्क से हम 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे फेस को क्लीन करने के लिए। अब हम फेस को क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर, नैपकिन या स्पॉन्ज से। अब हम ब्लीच ले लेंगे। ये मैं ऑक्सी ब्लीच करूंगी अपने फेस पर। ऑक्सी ब्लीच सेंसिटिव स्किन पर बेस्ट होती है करने के लिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ऑक्सी ब्लीच का इस्तेमाल करिए अपनी स्किन पर ब्लीच करने के लिए। तो आप देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर जो है ब्लीच है, एक्टिवेटर है और ये पोस्ट ब्लीच सीरम है। इसके अंदर एक स्पोचला भी निकलता है क्रीम को निकालने के लिए। ये वन टाइम के लिए क्रीम है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर हम फेस पर लगाएंगे ब्लीच को तो 2 चम्मच ले लेंगे और अगर नेक पर भी लगाएंगे तो उससे डबल ले लेंगे क्रीम को। इसमें हम एक्टिवेटर को मटर के दाने जितना ले लेंगे, इतना। ये देखिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे इसको। ऑक्सी ब्लीच जो है सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको फेस पर लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमने ब्लीच क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फेस पर लगाएंगे। ब्लीच को हम आईब्रो पर नहीं लगाएंगे और ना ही आईज के पास लगाएंगे, आईज से हटकर लगाएंगे। ब्लीच को आप ब्रश से भी लगा सकते हो और उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हो, तो जैसा आपको ठीक लगे उससे लगा लीजिए। मैंने ये पूरे फेस पर क्रीम लगा ली है। अब मैं 15 मिनट तक इसको फेस पर लगा रहने दूंगी, उसके बाद आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। ब्लीच करने के बाद आपको आईज खोल के नहीं रखना है, आईज को बंद कर लेना है। तो मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए, अब मैं आपको फेस को क्लीन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं स्पोचला की मदद से क्रीम को निकाल लूँगी।
क्रीम को हमने निकाल लिया है, अब मैं आपको फेस को क्लीन करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ब्लीच करने के बाद मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, जैसे मैंने फेशियल करवाया हो। अब हम पोस्ट ब्लीच सीरम से मसाज कर लेंगे 4 से 5 मिनट। तो आप देख सकते हो ब्लीच करने के बाद मेरा फेस कितना ग्लो करने लगा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।